मेरा इंडस्ट्री में जो सफ़र है वो शुरू हुआ एक बहुत बड़े शख्स गुलजार साहब के साथ. ही इज़ द मैन हु ब्रॉट मी इन टू बॉलीवुड एंड आवर फर्स्ट कोलेबोरेशन वॉज अ सोलो एल्बम कॉल्ड उदास पानी विच डिड एक्सट्रीमली वेल इन दोज डेज एंड लैंडेड मी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक. बचपन से ही मेरे अंदर संगीत का कीड़ा था, तो मुझे लगता था कि कभी भी मैं नहा रहा हूँ या मैं गाड़ी चला रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, अचानक एक धुन टपक सी जाती थी जहन में एंड दैट मेलोडी स्टार्ट्स यू नो डिस्टर्बिंग मी, स्टार्ट्स हार्बोरिंग इन मी, वांटिंग मी टू गिव बर्थ टू इट. एंड एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप आई रियलाइज दैट देर इज़ अ टर्म फॉर दिस डिजीज एंड इट्स कॉल्ड कंपोजर. अ कंपोजर इज़ अ पर्सन हु गिव्स राइज टू ओरिजिनल मेलोडीज. तो वो बात कुदरती तौर पर मुझे लगता है कि शुरू से ही था और बाद में जाके मैंने डिस्कवर किया. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सिंगर कंपोजर फॉर अ लॉट ऑफ टेलीविजन. मैंने बहुत सारे एड फिल्म्स, बहुत सारे टेली सीरियल्स के टाइटल ट्रैक्स और डॉक्यूमेंट्रीज का म्यूजिक करना शुरू कर दिया. मेरा पहला गाना हिंदी फिल्मों में है एक फिल्म हासिल से, और मेरे एक पुराने मित्र हैं तिग्मांशु धुलिया, जिनके साथ मैंने टेलीविज़न में बहुत सारा काम किया था. आई हैड डन अ सीरीज़ कॉल्ड राजधानी ऑन स्टार प्लस. जब वो पूरी टीम इरफान खान, तिग्मांशु, जब उन सब ने मिलकर एक फ़िल्म बनाई हासिल, तो उस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर के लिए मुझे बुलाया गया. सुन रे सखी जिया क्यों घबराए, वो मेरा पहला गाना था इन हिंदी फिल्म्स. मेरे भाग्य में ऐसा है कि मुझे कल्ट फिल्म्स मिली हैं काफ़ी सारी. इवन पान सिंह तोमर आई थिंक वुड बी अ कल्ट फिल्म, अगेन विद द सेम डायरेक्टर मेनी इयर्स लेटर, जिसका सारा म्यूज़िक मैंने किया. तो मुझे इस तरह के थोड़े से मेन स्ट्रीम से हटके सिनेमा काफ़ी मिला है. आई थिंक आई थैंक माई स्टार्स फॉर दैट. सालाना 2-3 फिल्में मैं कर ही लेता हूँ, लेकिन उससे कई ज़्यादा गाने मैं प्रोड्यूस करता हूँ, क्योंकि एवरी डे आते जाते, मतलब नहाते हुए, चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कभी भी कोई धुन आ जाती है और धुन मुझे अच्छी लग जाए तो फिर मेरे लिए एक दायित्व बन जाता है कि उस धुन को मैं जन्म दूँ. यू नो आई हैव टू गिव बर्थ टू दैट मेलोडी. मेरे गाने जो है पंछियों की तरह है और एक पिंजरे में बंद है, रिलीज़ की अपेक्षा कर रहे हैं, रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. सो वाई डोंट आई सेट ओपन द डोर ऑफ द केज एंड सेट माई मेलोडीज़ फ्री, कि मेरे गाने जो है खुले आसमान में उड़े. आई हैव डन सिंगल्स विद गुलजार साहब, 7 गाने उनके हैं इस साल, विद श्रेया घोषाल, विद सोनू निगम, विद हरिहरन, उदित नारायण, अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक. तो विद द बेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री, दे हैव ऑल कोलैबोरेटेड विद मी ऑन डूइंग सिंगल्स. इन फेब्रुअरी आई वाज फेलिसिटेटेड विद द मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजिक अवार्ड, द मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स, और जिसमें बेस्ट नॉन फिल्म सॉन्ग ऑफ द ईयर वेंट टू मी, अ सॉन्ग कॉल्ड ए जहां आसमा, विच हैज़ बीन ब्यूटिफुली संग बाय सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल. This coming year also I am collaborating with Sukhvinder Singh, with Sonu Nigam, with Kavita Krishnamurti and some other great names in the industry. And you are going to be hearing a lot of more singles coming from my studio. इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि नाना साहब के साथ जो पहली फिल्म मेरी थी, that was a film called Shagird, in which he was playing a corrupt cop, you know. तो उसमें तिग्मांशु को एक ऐसा गाना चाहिए था जो ग्रीड पे हो, जो तलब पे हो, यू नो, इंसान की जो ग्रीड है, ये पैसे की भूख कभी मरती नहीं है, इस पे गाना चाहिए था. फिर अनीस बज्मी साहब की मेगा स्टारर फिल्म थी वेलकम बैक, जिसका थीम सॉन्ग मुझे बनाना पड़ा, और उसमें नाना जी का एक अद्भुत रोल है उसमें. ही इज़ प्लेइंग अ गैंगस्टर एंड इज़ प्लेइंग अ फनी गैंगस्टर, तो उसमें एक हिप हॉप ग्रंज काइंड ऑफ ट्रैक दिन रिक्वायर्ड. हाँ, वेरी रिसेंटली आई डिड अ फिल्म विद नाना पाटेकर एंड माही गिल, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. इट्स अ स्टोरी ऑफ वन नाइट, इट्स अ फिल्म कॉल्ड वेडिंग एनिवर्सरी. मुझे इस फिल्म में अलग अलग दिशाओं में एकदम अलग अलग कैनवासेस के गाने बनाने का मौका मिला.
मैंने अपना थोड़ा बहुत जो भी सेविंग्स है बॉलीवुड से, वो सारा सेविंग्स मैंने एक पहाड़ी में डाला, जो पहाड़ी एकदम टकला बन चुकी थी, उसमें सारे पेड़ पौधे काट दिए गए थे लोगों से। तो वो मैंने एक्वायर किया वो पहाड़ी, और उसमें मैंने पिछले 10 सालों में एक जंगल लगाया, मैंने हज़ारों पेड़ उसमें लगाए, और बीच में एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी बनाया। तो इस तरह से सीतामढ़ी वाइल्ड लाइफ रिज़र्व की रचना हुई। और बॉलीवुड के अलावा जो भी थोड़ा बहुत वक्त मुझे मिलता है, वो सारा वक्त मैं जंगलों में, पहाड़ों में, सीतामढ़ी में ही गुजारता हूँ और वाइल्ड लाइफ के लिए काम करता हूँ। किसी एक शख्स को अगर मुझे क्रेडिट देना है आज इस मकाम पे आके, तो वो ज़रूर गुलजार साहब होंगे, क्योंकि गुलजार साहब ने मुझे सबसे पहले प्रोत्साहित किया कि सिर्फ टेलीविज़न नहीं, आप फिल्मों में भी काम कर सकते हैं, आपका स्थान बॉलीवुड में है। इतना बड़ा अगर उन्होंने रिस्क लेके एक बच्चे के साथ सोलो एल्बम नहीं किया होता उदास पानी, उसके बाद फिर रात चांद और मैं, इतने सारे एल्बम्स उन्होंने मेरे साथ सोलो एल्बम्स किए, उन्होंने अगर ये पनाह मुझे ना दी होती तो मेरे लिए ये शायद ये पूरा जर्नी बहुत मुश्किल होता। और मुझे लगता है कि द यूनिवर्स कंस्पायर्स, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग द यूनिवर्स थिंग्स थ्रोज थिंग्स ऑन योर वे, यू हैव टू जस्ट पिक अप द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम।